या साहब आप क्या समझ रहे थे जो आपने लफ्जों बयान करने, और यहाँ भूले हैं तो इनको आप लोग हटाइए, इतना कुछ दिमाग में रह गया बयान। हुजूर यहां से शुरू हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जहां भूले वहां आप लोग फौरन हटाइए कि ये पाइन छूट रहा है या ये पाइन छूट रहा है। हुजूर यहां से शुरू हुआ कि जितने हमारे सालिकीन भाई हैं कितने दिन से लगे हुए हैं दुआ दरूद जो यहां से इनायत हुआ हम लोग पढ़ते हैं, तो उस पर हुजूर कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं और कभी नीचे उतर आते हैं, इसलिए कि रूह तक नहीं रसाई हुई है, इसलिए कि उसमें दर्द नहीं है मौजूद कि हमको इतना दिन हो गया हम नहीं पा सके और उसके लिए दुखा हुआ दिल मौजूद हो और रातों को तन्हाई में रोए। और जहाँ भटके या नहीं फौरन आप लोग बताएं जी, जहाँ कमी किसी की चक्कर जब कमी रहेगी मांगेगा कमी का होगा तब दर्द पैदा। हाँ वो जो मांगेगा अपने अंदर कमी ढूंढेगा कि इतने दिनों हम में कमी है अपना वजूद नहीं मिटा, वो नहीं मौजूद। नहीं भाई वजूद नहीं, जो दूसरे दिन से दुआ मांगी जाए वो। और आगे कहना दुखे हुए दिल से दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होता है, उस मजलूम की दुआ सुनी जाती है और जो जबर करता है उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। तो हुजूर इसी पर वो आपने बहुत से फैला करके आपने बताया है हुजूर, वो आगे की निकल गया हुजूर, जरूरत पैदा हुई वो न मिली फिर दर्द पैदा हुआ, जरूरत पैदा हुई वो न मिला तब दर्द पैदा हुआ तब वो सुनी जाए, पेट भरा है तो नहीं कुछ मिलेगा। इतना हो गया जी, वो दूसरा सवाल बता दीजिए थे शायद याद आ गए, इसके पहले के बाद क्या दूसरा सवाल हाँ इब्तिदा ये ना इब्तिदा इंतहा की खबर देती, इब्तिदा खबर देती है इंतहा की। जी हुजूर, हुजूर इसकी शुरू में बुनियादें सही नहीं है तो आखिर आखिर चल के उसकी वो कुछ ना बन सकेगा, अगर बुनियाद सही है और यकीन के साथ वो जुड़ा हुआ है तो वो वहां पहले वाले सवाल के जवाब में बहुत सी चीजें रह गई यहाँ से, जिसे आदमी अपनी बुलंदियां समझ रहा हो ऊंचाइयां समझ रहा हो तो दर्द नहीं रहता, बिना दर्द के मंजिलें तय नहीं होती, ये खास बात है। लुबे लुबा भी है जेस्ट भी है, अगर अपनी ऊंचाइयां उसके सामने है बुलंदियां सामने या होने का गुमान साथ लुबा हुआ है, दुनियावी जिंदगी के भी होने का गुमान और बातनी जिंदगी की ही होने का गुमान, अगर ये दोनों गुमान साथ जुड़े हैं तो फिर सिर्फ सुहा सुहा है, सुहा सुहा। हाँ जी मतलब सर की नहीं ध्यान में रह गए, कनिया जब एहसास होती तब रफाई में खाती होता, जब कनी एहसास न हो रही नहीं खाती, दुनिया तो एक अलग चीज है क्या उसमें जो भी आप समझ ले आदमी राजा समझ ले मन समझ ले। अच्छा हाँ तो दूसरा सवाल क्या था सर, नहीं दूसरा इसके क्या है सर, इब्तिदा ही इंतहा की खबर देती है, इब्तिदा शुरू इंतहा खत्म किसी चीज हल्का सा ध्यान रखना।
हुजूर, जैसे हुजूर शुरू शुरू में कोई आता है कि जुड़ने का ख्याल रहता है किसी का कि हमारा खेती बने, खरियान बने, ये बने, वो बने, उस दिन जुड़ा और फिर एक लोग आते हैं कि हमको ये सारे ख्वाहिशात को खत्म करके कि हमको ये न चाहिए, वो न चाहिए, वो न चाहिए, हम जिस जगह से आए हैं उस जगह आदम के औलाद औलादों में से हैं, मेरा हक बनता है उस विरासत तक हम पहुंचे यानी हम लोग तक पहुंचे, तो और दर्द साथ दिए हुए मौजूद हो और वो अपने को हर एक तरीके से कमी महसूस करे कि हमें कुछ नहीं और इतना दिन हो गया मेरे सामने कोई उजाला कोई रोशनी ना आ सकी, तो उस ना पाने के दर्द महसूस करे कि हमें क्या कमी हुई, हमें जरूर कुछ कमी है, इसलिए न नूर मौजूद हुआ, न रूह मौजूद हुई, न रोशनी मौजूद हुई और कोई हमको महसूस न हुआ, अंधेरे के अंधेरे में अभी तक मैं मौजूद हूँ, तो वो उसका शक और सुबह बना रहेगा कि आज शक न हो। दो तरीके से आदमी आते हैं, एक इज्जत शोहरत दौलत पाने के लिए से आते हैं और एक को जुड़ते हैं कि वो जहाँ से आए हैं वो बनने के उनके अंदर जौहर है, जो फिक्र वो फिक्र से अपने साथ एक जौहर लाए हैं, एक क्वालिटी लाए हैं इस तरह की कि वो से ही जुड़ेगा बात से, इसके सवाल उनके सामने कोई दूसरी चीज नहीं जुटेगी, इसके अंदर इज्जत आया शोहरत आया दौलत आया इस तरह का कोई ख्याल एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, टेलीविजन नहीं होता, पिक्चर बनाने नहीं होता, आम मजमे में बोलना नहीं होता, ये सब कुछ फकीर जो असली मिल रहे हैं उनके साथ ही सब कुछ नजर नहीं है, बात ही नहीं है। हाँ ये इसके बाद वाला क्या दुश्मन करिए जो आगे के रूप में इस बारे में जो दो इस तरीके से दो गुरु के रूप के हैं कि हम एक बाहर देखते हैं और एक अंदर देखते हैं, तो उन्होंने फरमाया है कि ये सही है वो सही है, तो बाहर तुम्हारे संन्यास ले लेना और दुनिया का छोड़ देना जंगलों में रहना, और फिर ये सूफी सिलसिला जो दुनिया के अंदर ये रहे जी भी दुनिया से बाहर नहीं जाता, इन दोनों के बारे में समाज है जी हुजूर, ये तो दोनों के बारे में सही है कि वो सही है, तो जवाब ये है कि सही नहीं है ना वो है, वो बन जाओ बस भूल जाओगे कि अंदर क्या है बाहर क्या है, असल चीज है वो का गुरु बनना, और इसके पहले जो कुछ है वो क्या है, इसके पहले जो कुछ है सब ख्याली सब स्वभाव ख्याली, वो मानना और यकीन करना उस सब से शुरू है पर ही कायम रहता है, चाहे कितनी बड़ी आस्था हो अगर जो रूह से जुड़ी हुई नहीं है रूह के मुकाम तक वो किसी न किसी वक्त उसमें कुछ न कुछ खाता है, इसने की शख्स होने के साथ है कि नहीं है, है कि इसके बाद वाला सवाल क्या है, मैंने पूछा इश्क में मस्ती क्यों पैदा होती है, कहने लगे जिंदा रखने के लिए, सूख जाना किसी चीज का, सूख जाना किसी चीज का और हरियाली होना ये दो मुख्तलिफ चीज है, मजहब इश्क के साथ ये जोश और खरोश और मस्ती और कैफ और हाल ये चीजें जुड़ी हुई, हजरत को भी अभी पढ़ रहे थे परसों की बात है कि ये टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर उसमें मस्ती और रस पैदा हो गया, हमारे
की ظاہریت رکھنے والوں کی سمجھ میں یہ نہیں آئے, جو ناقص عقل رکھتے ہیں یہ مقام کی سمجھ میں نہیں آئے, یہ لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ مستی نہیں سمجھ میں آئے گی, یہ حال نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ قید نہیں سمجھ میں آئے گا. عشق میں, عشق میں من مذہب عشق, صوفیوں کا اصلی راستہ مذہب عشق, ایک دل سے دوسرے دل کا جڑ جانا. جب دل سے دل جڑتا ہے یعنی روح سے روح جڑتی ہے تو فائل ہوتا ہے. دماغ جڑا ہو دل نہ جڑا ہو تو فائل نہیں ہوتا, باطن نہیں کھلتا. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ دل سے دل جڑا ہو, روح سے روح جڑی, فائل ہے. مفاتی اسی وقت ہوتا ہے کہ روح مذہب عشق کے بارے میں سوال ہے کہ یہاں یہاں مستی کیوں ہے. جواب یہ کہ یہ جبروت کی چیز ہے, لابوت پہنچا بے رنگ ہو گیا, اور جبروت ایک مقام ہے جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اس کائنات میں آیا ہے. اس کے پہلے کے اتہاس میں جتنے بھی ہوئے دنیا میں اتہاس کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ وہاں یہ نہیں ملتا, یہ جبروت نہیں. لاہوت کا فیض ہے, ملکوت کا فیض ہے, دیوتو ہے, اور اس کے بعد آتما کا پرماتما سے جڑ جانا, پھر لڑ جانا, گم ہو جانا, نروان کو پراپت کر لینا, موکش کو پا جانا, سمندر میں قطرے کا گم ہو جانا, گم ہو کر اپنی آئیڈینٹیٹی کا کھو دینا, یہ بھی ہے بےغن ہو جانا. سنیاس کی آخری منزل بے رنگ ہو جائے. صوفی سلسلہ ایک دم الگ چیز ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آیا تھا وہاں سے آیا تھا, یہ بھول ہے. جب روپ موجود نہیں ہے صوفیوں کے ساتھ, مولا علی علیہ السلام کا پہلے خاص جب روپ کی شکل